हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूँ ऑक्सफोर्ड इंग्लिश एकेडमी के ग्रामर चैप्टर के दूसरे सेशन में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ग्रामर सीखने के लिए हमको 7 प्रकार के वर्ड्स की ज़रूरत होती है, जिसमें से पहला था सब्जेक्ट्स, राइट। और सब्जेक्ट के बारे में बताया था कि जो भी आंखों से दिखाई देता है वो सब्जेक्ट होता है, और किसको क्या नाम से पुकारा जाए ये हमने बताया था कि किस सब्जेक्ट का क्या मतलब होता है और कितने प्रकार के होते हैं। फिर से मैं प्रकाश डालना चाहूँगा इस पर कि हमने देखा था कि हमको इंग्लिश सीखने के लिए, ग्रामर सीखने के लिए 7 प्रकार के वर्ड्स पे प्रकाश डालना पड़ेगा। उसमें से जो पहला था वो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसको बोलोगे? जो भी आंखों से दिख रहा है वो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में कौन कौन से वर्ड आते हैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जैसे कि आपको आपके सामने ये सवाल आता है कि सब्जेक्ट का मतलब होता क्या है, तो मैं आपको बता दूँ, करने वाला, वो व्यक्ति जो काम को अंजाम देता है, वो कोई भी हो, कोई भी, मैं हो सकता हूँ, आप हो सकते हो, सारे लोग सब्जेक्ट है। जो भी आंखों से दिख रहा है वही क्या है, सब्जेक्ट है। जिसमें मैंने बताया था कि आई होता है, आपको बोला था याद कर लीजिएगा, कैसे किस सीरीज में याद करने के लिए बोलता, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, नेम। मैं आपको बोला था ऐसे याद कर लीजिएगा, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, नेम। लास्ट वीडियो में मैंने बखूबी बताया, आप बार बार प्ले करके देख सकते हैं, और सबका मतलब भी एक्सप्लेन किया था मैं कि आई मीन्स क्या होता है, आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, यू मीन्स तुम, दे मीन्स वे, ही मीन्स वह, सी मीन्स वह, इट मीन्स यह, नेम मीन्स नाम। हम भली भांति समझ चुके हैं कि इंग्लिश सीखने के लिए 7 प्रकार के वर्ड्स में से जो पहला था वो है सब्जेक्ट्स, और सब्जेक्ट्स का मतलब करने वाला। जो भी हमारे आसपास दिखाई दे रहा है दोस्त, वो सब क्या है, सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट की सीरीज वाइज में बोला था, याद कर लीजिएगा, किस सीरीज में, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, नेम। इससे क्या होगा, कभी भी भूलोगे नहीं आप। और मीनिंग्स भी खेलते खेलते याद करने के लिए बोला था, आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, यू मीन्स तुम, दे मीन्स वे, ही मीन्स वो, सी मीन्स वो। 10 वर्ब किसी को बोलोगे ना तो याद हो जाएगा। आज का जो हमारा वीडियो है इस चैप्टर पर बनाया गया है कि हमको तो पता चल गया कि इंग्लिश सीखने के लिए 7 प्रकार के वर्ड्स की जरूरत है, और पहला सब्जेक्ट है, और ये आई है, वे, वी, यू, जो भी है मैंने याद कर लिया। लेकिन किसको किस नाम से पुकारना है, किसको किस नाम से पुकारे, किसको मैं क्या बोलूँ, किसको क्या समझूँ मैं, तो ये वीडियो आज का उसी टॉपिक पे है कि किसको हम आई बोलेंगे, किसको वी बोलेंगे, किसको यू बोलेंगे। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को, फुल स्क्रीन में देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। दोस्तों ये बेस है ग्रामर और इंग्लिश का, अगर ये समझ में आया तो पूरा इंग्लिश आपके मुट्ठी में रहेगा, इंग्लिश आपको कभी डराएगा नहीं। तो चले चलते हैं, हम डिटेल में समझते हैं कि सब्जेक्ट होते क्या हैं। तो चलिए शुरुआत से देखते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, वो ये है कि सब्जेक्ट के बारे में पूरी डिटेल्स जानने वाले हैं हम लोग। सब्जेक्ट की पूरी डिटेल समझेंगे कि सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट को किस नाम से जाना जाए। इस वीडियो को फुल स्क्रीन पर देखिएगा और बार बार प्ले करके देखिएगा, ताकि सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए और आंखों से जो दिख रहा है उसको आप पहचान सकते हो। जैसे कि मैंने अपने वीडियो में बताया है कि जो भी हमारे आंखों से दिखता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। कुछ भी, वॉट एवर, कुछ भी दिख रहा है, इस ब्रह्मांड में मौजूद हर एक चीज़ सब्जेक्ट है, जो भी आप आंखों से देख सकते हो। फ्रेंड्स, आपकी जो इंग्लिश है आपके आंखों से ही स्टार्ट होती है। जो भी आप देखते हो उसको पता होना चाहिए कि उसको बोला क्या जाए। तो ये वीडियो उसी के लिए कि जो हम देखते हैं वो हमारे लिए सब्जेक्ट तो है, लेकिन किस सब्जेक्ट को क्या नाम से जाना जाए, चलिए देखते हैं। तो अगर आप सिंगल हो, अगर आप अकेले हो, तो हमेशा अपने आप को आई से इंडिकेट करोगे। किससे? आई से। आप जब अकेले हो या भीड़ में भी हो तो क्या हुआ, सिर्फ अपनी बात करनी हो तो आप हमेशा अपने लिए आई रहोगे, याद रखिएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। अगर आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो जाते हो, किसी और के साथ शामिल हो जाते हो, बहुत सारे लोगों के बीच में आप शामिल हो जाते हो, तो आप कहलाओगे वी। मैंने क्या बताया कि आप अगर अकेले हो या सिर्फ अपनी बात करनी हो तो आप आई रहोगे, लेकिन अगर आप किसी के साथ इन्वॉल्व होते हो तो आप कहलाओगे वी। चलिए आगे देखते हैं। अगर आपके सामने में कोई है जिससे आपको बात करनी है, कोई भी सामने वाला बंदा हो जिससे आपको बात करनी हो, वो आपके लिए कहलाएगा यू। क्या कहलाएगा? यू कहलाएगा, याद रखिए। फिर से रिपीट करता हूँ, आप अगर अकेले हो तो अपने लिए आई रहोगे, किसी के साथ में इन्वॉल्व हो गए तो कहलाओगे वी। तीसरा, कोई आपके सामने हो जो आपसे बात करे वो कहलाएगा यू, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगर आप किसी तीसरे पर्सन की ओर इशारा करते हो, किसी तीसरे पर्सन की ओर इशारा करते हो जो दो या दो से अधिक हो, ध्यान सुनिएगा,
अगर आप किसी तीसरे पर्सन की ओर इशारा कर रहे हो, अगर आप इशारा कर रहे हो और जिसकी ओर आप इशारा कर रहे हो अगर वो दो या दो से अधिक हुआ तो वो कहलाएगा आपके लिए दे। क्या कहलाएगा? दे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिर से समझिए। अगर आप किसी की ओर इशारा कर रहे हो और वो दो या दो से अधिक हुआ तो वो कहलाएगा दे। ठीक है, फिर से शुरू से रिपीट करता हूँ। अगर आप अकेले हो तो अपने लिए आई रहोगे, किसी के साथ में हो, देखो अगर आप अकेले हो तो अपने लिए क्या रहोगे? आई रहोगे। ठीक है, किसी के साथ में हो तो बन जाओगे वी। जो भी आपसे बात करेगा, ये वाला जो भी आपसे बात करेगा ये क्या कहलाएगा? यू। अगर आप किसी की ओर इशारा करते हो और वो अगर दो या दो से अधिक हुआ तो कहलाएगा दे। क्लियर हो गया? ठीक है, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। आप आई हो कब? जब आप अकेले हो। किसी के साथ में मिल गए तो बन जाओगे वी। किसी और से आप बात करोगे, जो सामने वाला है जो बात कर रहा है वो कहलाएगा यू। अगर आप किसी के बारे में बात कर रहे हो और वो दो या दो से अधिक हुआ तो बन जाएगा दे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा कर रहे हो जो अकेला हो और मेल हो, मैं क्या बोला? अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा कर रहे हो जो अकेला हो और वो क्या हो? मेल पर्सन हो। मेल में छोटा बच्चा, अंकल, दादा, मामा, चाचा, भैया, पुरुष, मेल, तो वो आपके लिए क्या बन जाएगा? वो आपके लिए कहलाएगा ही। याद रखिएगा, फिर से और समझिए इस वीडियो को। अगर आप किसी की ओर इशारा करते हो और वो अगर मेल हुआ, कोई भी एक मेल अकेला व्यक्ति, तो वो बन जाएगा आपके लिए ही। ठीक है, अगर आप किसी और की ओर इशारा कर रहे हो, किसी और की ओर इशारा कर रहे हो और वो अगर फीमेल हुई, लड़की, छोटी बच्ची, आंटी, दादी, मम्मी, बुआ, बहन, दीदी, कोई भी हो, अगर वो फीमेल हुई तो वो आपके लिए रहेगी शी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। अगर आप किसी की ओर इशारा कर रहे हो, अगर आप किसी की ओर इशारा कर रहे हो और वो अगर फीमेल हुई तो वो कहलाएगी सी। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। आप अकेले हो, अगर आप अकेले हो तो क्या कहलाओगे? आई। आप किसी के साथ में इन्वॉल्व हो रहे हो, दो या दो से अधिक के बीच में आप चले गए तो कहलाओगे वी। अगर आप किसी तीसरे व्यक्ति से बात करते हो, सामने वाले जो भी हो, जिससे भी आप बात करोगे, दुनिया के सारे लोग आपके लिए यू हैं, यू, चाहे मम्मी पापा क्यों ना, जिससे भी आप बात करोगे वो कहलाएगा यू। इसके अलावा कोई भी एक ऐसे पर्सन जो दो या दो से अधिक है वो आपके लिए दे रहेंगे, कोई भी ऐसा पर्सन जो अकेला हो आपके लिए ही रहेगा, कोई भी ऐसी पर्सन जो लेडीज है, फीमेल है, वो आपके लिए सी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अगर आप किसी ऐसे वस्तु की ओर इशारा कर, देखिए वस्तु के लिए, अगर आप किसी वस्तु की ओर इशारा करते हो, किसी भी वस्तु, कोई भी हो, चाहे पेड़ हो, घोड़ा हो, गाड़ी हो, कापी किताब, कुछ भी हो, व्हाटएवर, तो वो आपके लिए रहेगा ईट। कोई भी थिंग्स जिसकी ओर आप इंडिकेशन दे रहे हो वो आपके लिए ईट रहेगा। ठीक है, और नेम को तो नेम से पुकारना है, चाहे कोई भी नाम हो, चाहे बुक हो, चाहे रवि हो, चाहे सुनीता हो, नाम को तो नाम से पुकारोगे। तो जैसा कि हमने देखा पिछली वीडियो में, हमने देखा था कि इंग्लिश सीखने के लिए 7 प्रकार के वर्ड्स की ज़रूरत है। उस 7 में से जो पहला था वो था सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बारे में मैंने पढ़ा था कि ये 8 प्रकार के होते हैं। यानी कि सब्जेक्ट किसको बोलोगे? जो भी आंखों से दिखाई दे रहा वही हमारे लिए सब्जेक्ट है। तो क्या दिखाई दिया? तो हमने देखा आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, नेम। ये पूरा ब्रह्मांड इन 8 वर्ड में समाहित है। हमने पिछले वीडियो में सबका मीनिंग्स भी पढ़ा था, अगर जो लोग नहीं देखे होंगे वो पार्ट 1 देख लीजिएगा, जिसमें हमने बताया था कि आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, यू मीन्स तुम, दे मीन्स वे, ही मीन्स वह, सी मीन्स वह, इट मीन्स यह, नेम मीन्स नाम। आज हम उन सब्जेक्ट के डिटेल देख रहे हैं कि किसको क्या बुलाया जाए। तो हमने जैसा कि देखा कि आप अकेले हो तो आई रहोगे, किसी के साथ में आ जाओगे तो वी, जो भी आपसे बात करेगा वो यू, एक ऐसे पर्सन जिनके ओर आप इशारा कर रहे हो और वो प्लूरल्स हुए, बहुवचन में हुए, दो या दो से अधिक हुए तो कहलाएंगे दे, किसी को इशारा कर रहे हो और वो अकेला है तो कहलाएगा ही, किसी को इशारा करो अगर लड़की है, फीमेल है, छोटी बच्ची, आंटी, दादी, कोई भी हो, वो आपके लिए सी रहेगी, और किसी वस्तु की ओर अगर इशारा कर रहे तो क्या कराएगा? इट, इट। ठीक है, तो जैसा कि हमने देखा, क्या सीखा हमने, कि अगर
कोई भी व्यक्ति, कोई भी एक व्यक्ति मेल है तो ही कहलाएगा, कोई फीमेल अगर अकेली है तो सी कहलाएगी, वस्तु है तो इट कहलाएगा, अगर कोई ग्रुप है तो दे कहलाएगा, आप खुद के लिए आई रहोगे, किसी के साथ में मिल गए तो वी बन जाओगे, सामने वाला जो भी आपसे बात करेगा वो यू कहलाएगा। तो इस वीडियो को बार बार फुल स्क्रीन में देख करके बार बार सीखिएगा, अगर सब्जेक्ट समझ में आ गया, क्योंकि फ्रेंड्स आंखों से यही दिखाई दे रहा है, आंखों से सबसे पहले यही दिखता है, क्या दिखता है, सब्जेक्ट दिखता है, तो जो दिखता है उसको हम पहचान पा रहे हैं कि नहीं, आपकी इंग्लिश आपकी आंखों से स्टार्ट हो रही है, जो भी आपको दिखता है। और आज ही प्रैक्टिकल कर लीजिएगा वीडियो को बार बार देख करके सीख करके, और अपना प्रैक्टिकल करिए कि जो भी आंखों से दिख रहा है उसको आप पहचान पा रहे हो कि नहीं। चलिए फिर से एक बार प्रकाश डालते हैं, फिर से मैं क्या बताएं कि जो भी कोई भी वस्तु जिसके ओर इशारा कर रहे हो, वस्तु क्या कहलाएगी आपके लिए, इट रहेगी, क्या रहेगी, इट रहेगी, याद रखिएगा। फिर से एक बार प्रकाश डालते चलिए, आई क्या हो गया, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। वी किसको बोलते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यू आपके लिए कौन था, आपको समझ में आ गया होगा। ये दे कौन है, ये भी समझ में आ गया होगा। ये ही कौन है, समझ चुके होंगे। शी कौन है, वो भी समझ में आ गया होगा। इट क्या है, ये भी समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बताएंगे आपको इन्हीं सब्जेक्ट की अपनी एक आइडेंटिफिकेशन होती है, पहचान होती है, पहले आप सब्जेक्ट के अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, टिल देन बाय बाय।